जो लोग देश को टुकड़ा करने चाहता है आज इसका दिन हम वादा करते हैं, हम जिंदगी भी देने के लिए तैयार है, लेकिन देश को टुकड़ा करने के लिए हम तैयार नहीं है। आज देश भर में ईद का त्यौहार बड़ी ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। दिल्ली से लेकर बंगाल तक ईद उल फितर के त्यौहार को लेकर लोगों में खुशी देखी जा रही है। कोलकाता के रेड रोड में इस मौके पर ईद की नमाज अदा की गई। इस मौके पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शामिल हुई। उन्होंने देशवासियों को रेड रोड के मंच से ईद की मुबारकबाद पेश की और इसके साथ ही उन्होंने ये संदेश दिया है कि मैं हिंसा का रास्ता नहीं अपनाना चाहती, मैं विभाजन पर विश्वास नहीं करती, मैं एकता पर विश्वास करती हूँ। याकुश ममता बनर्जी ने कहा है रेड रोड के मंच से, आइए सुनते हैं। आप लोगों को शुभ ईद मुबारक, आपका परिवार को, आपका परिजन को, आपको दोस्त को और हर विश्व को, हर आदमी को। हमारा बंगाल से विश्व का शांति चाहिए, हम दंगा नहीं चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं, हम लोग भाग नहीं चाहते हैं, हम देश को टुकड़ा करने नहीं चाहते हैं। जो लोग देश को टुकड़ा करने चाहता है आज इसका दिन हम वादा करते हैं, हम जिंदगी भी देने के लिए तैयार है, लेकिन देश को टुकड़ा करने के लिए हम तैयार नहीं है। अगर भरोसा है तेरा ही भरोसा है, अगर भरोसा है तो हमका भरोसा है। अल्लाह ताला आप लोगों को दुआ कबूल करे, आप लोगों को रक्त इफ्तार कबूल करे और आप लोगों को प्यार भी कबूल करे। मैं तो ये कहने चाहूंगी, आप लोग शांति से रहिए, किसी का बात मत सुनिए। कोई कोई गद्दार पार्टी, हमको तो गद्दार का साथ भी लेता है, लड़ने पड़ता है। हमको तो रुपया का साथ में भी लड़ने पड़ते है, हमको तो एजेंसी का साथ में भी लड़ने पड़ते है। हम लड़ने के लिए तैयार है कि हमारे को हिम्मत है लड़ने के लिए, लेकिन हम माथा झुकाने के लिए तैयार नहीं है। कोई कोई आदमी ताक बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंदिर खोदा जाता है। आने वाला का कामयाब का आवाज है और हमारा आवाज सुनो, बिहार बंगाल नहीं है, यूपी में आप हर रोज मारता है, हर रोज पीटता है, बिल्किस का केस में सबको छोड़ दिया। तमन्ना आज हमारा दिल में है, देखते हैं जोर किसका बाजू में कटिल में है। हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। इंसान तो ही होता है जो इंसान पहले मानवीय होता है, इंसान तो ही होता है जो सबके लेके चलता है। देश का लीडर कैसा होता है, पूरा देश का जो लीडर होता है, ऐसा तोड़ फोड़ के लीडर नहीं हो सकता है। एक टाइम भी हुआ है, हम लोग को बहुत तंग किया है, हम लोग को अभी भी बहुत तंग करेगा, बहुत तंग कर रहे हैं सबको, बहुत तंग हो रहा है। हम तो अल्लाह ताला के पास दुआ मांगेंगे, अल्लाह दुआ करो, इसको हिम्मत अब रुक दो, इसको दादागिरी अब रुक दो, इसको झुमला अब रुक दो, इस बोलता है टोक दो टोक दो, क्या टोक दो? अगर हम लोग इकट्ठा हो जाएगा तो तुम्हारा चिड़ारी गिर जाएगा, टोक दो टोक दो चला जाएगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को फिर ईद मुबारक, फिर ईद मुबारक, फिर ईद मुबारक कहती हूँ। और आने वाला टाइम में, एक टाइम में भेंट होगा तो हम कुर्सी चेंज करके ही करेंगे, उसको चेंज करके ही। बहुत बहुत धन्यवाद, खुदा हाफिज, इंशाल्लाह आप लोग सब अच्छे हैं, अल्लाह ताला आप लोगों को अच्छा रखे। बहुत बहुत धन्यवाद, सलामुन वालेकुम, इंशाल्लाह।